साथियों ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा क्योंकि अज आप एक बड़े खास मकसद नाल इत्थे इकट्ठे होए हैं, जिम्मेवारी संभालनी है सिद्धू साहब ने। पर उस तो पहला मैं कुछ दिल दियां गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करना चाहुंदा। ज्यादा समय मैं नहीं लेना सीएम साहब, आई नो सारे लोग अज थोनू सिद्धू साहब नू सुन नू इत्थे आए हैं, पर एक गल जिहड़ी मैं घर बीती नहीं गिलजिया साहब, मैं सामने पर बीती की गल करना भी परले खेमे च की गुजर रही है उसकी गल करूंगा। सर शायर ने कहा है कहते चर्चा खबर थी गर्म, खबर थी गर्म कि आज उड़ेंगे गालिब के पुर्जे। भी अज गालिब के चिथड़े उड़ने हैं। खबर थी गर्म कि आज उड़ेंगे गालिब के पुर्जे। हम भी पहुंचे थे पर तमाशा ना हुआ। आज बहुत सारे विरोधी पार्टियां साडे जेड़े पार्टी के अंदर बैठे छुरा मारन वाले है बड़े अज बांछा खिलिया सी भी अज उत्थे जाके देखांगे पटाके पैणगे, पटाके पैणगे। कई साथियों ने कोई कह दूगा देखो मैं मनप्रीत जी वर्गा काबिल तो नहीं, ज्यादा उर्दू या फारसी मैनू नहीं आती, मैं पंजाबी च तर्जमा कर देना क्योंकि पंजाबी जिहड़ी जबान है बाकी सारे दे वर्गी एक्सप्रेशन हो नहीं सकता कि जिवें पंजाबी जबान च कहा जाता है। एक किसी का आपसी दोस्ती सीगी, याराना सीगा, प्यार सीगा, परवान नहीं चढ़िया। पिंकी जी रिश्ता करता परिवार ने, पर जेड़े दुलदे दुखड़े सीगे ओ सरीके आले टिचरा करन आले। उदो एक पंजाबी गाना आया सी, दो लाइना मैं तुहानू शेयर करूंगा। कहिंदा जंज चढ़ी है गवांडिया तेरी वे, जंज चढ़ी है गवांडिया तेरी वे, ते लोकी मैनू वेंदे आण के उहनू देखण नहीं जांदे। सुखी साहब हसण वाली गल नहीं, इत्थे देखदे सी वी सुनील ते की गुजरदी है, अच देखते हैं भी कैप्टन साहब किवें करते हैं। मैं आभारी हाँ कैप्टन साहब तुहाडा, आई एम ग्रेटफुल टू यू। सर एक मिनट यार हुण गल कह रहे बाद च नारे ला लो, नारे अजे समा बहुत पिया, नारे ला लो। पर कैप्टन साहब एक मिनट यार सर, मैं अंशपाल जी बुजुर्ग हो तुसी, मैं कह जे शख्स हाँ, आई ऑलवेज कैरी माई हार्ट ऑन माई स्लीव, बाहर रखता साहब, मैं कोई हांडी दे विच कुड़ नहीं फोड़दा। यारी है तो खुल के निभाने हैं, ते कोशिश करते हैं भी दुश्मनी भी पूरी पकाई है, सिरे ते ला के चढ़ते हैं साहब सिरे ते। कोई एवं लुक छिप साडे कोल है नहीं, 20 साल कैप्टन साहब के नाल किसी गलों ही निभाई होनी, एवं तो नहीं निभती। परिवार च रौला पै जांदा साहब, परिवार खिलर जांदा, भरावां च रौला पै जांदा। क्यों? कोई किरदार तो होना, यूं ही तो नहीं कोई बुतों का कायल होता, कुछ तो हुनर होगा, कोई तो गल होनी है। रहीम ने आख्या, रहीम ने आख्या कहना छिमा बढ़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का हरी को घटी गयो जो भृगु मारी लात। भगवान कृष्ण का कोई फर्क नहीं पाया, भृगु महाराज ने नाराज होकर कोई गल कह दी, रहीम कहने कृष्ण भगवान तो सब कुछ समेट के चलते हैं। यार मैग्नेनिमिटी सीएम साहब हैज एंडियर्ड यू टू पीपल ऑफ पंजाब, तुसी एक पंजाबी वाली गल की है, आ एक शोभा दिंदा है क्योंकि जिड्डी वड्डी जिम्मेवारी थोड़े ते पै जांदी है, जिड्डी वड्डी तुसी हैसियत च पहुंच जांदे हो, उसे किस्म की जिम्मेवारी भी निभानी पैंदी है। आई एम ग्रेटफुल टू यू। पंजाबियों वास्ते कांग्रेस पार्टी वास्ते तो है ही है, पर बहुत वड्डी अज जिम्मेवारी मैं बधाई देना चाहूंगा सिद्धू साहब, अज फॉर्मली बधाई देना चाहना। मैं दो दिन भी तुसी आए, मैं पूछा मैं क्या गुलदस्ता वगैरह मंगाइए, मेरे को कोई फर्जी कम है नहीं, मैं ना गुलदस्ता लेके आया ना मैं उस तरह की कोई गल करता, मैं तो इन्ना कहूंगा सब मौके रोज रोज नहीं मिलते, बंदा परख्या बहुत घट जाता है।
रोज रोज भी परखन लग जाओ ना भरे तो फेल हो जाएगा। तुम आइंस्टाइन बिठा लो रोज इम्तिहान लो तीजे दिन फेल भी हो जाएगा। बंदा एक बार सुरखरू होकर निकलता थोड़े दिन बहुत बड़ी जिम्मेवारी सोनिया जी ने पाई है सब बहुत बड़ी जिम्मेवारी। एट ए टाइम जो असी इलेक्शन के मैदान च उतरने वाले नित्रना पऊंगा उत्थे इलेक्शन दरपेश खड़ा है ते अज इस मौके से जिम्मेवारी दी है बड़ा सोच समझ के दी है। लोग सुनील से देखते सके अज नहीं उस दिन भी देखते सी कोई कहता किसी अखबार ने लिखा सुनील की मुस्कुराहट थोड़ी फीकी थी हुण देख लो साहब मुस्कुराहट ठीक लगती है कि नहीं लगती। जे सुनील नू चार साल दो महीनों बाद जे फीकी मुस्कुराहट है साहब सुनील तो फिर कहते ना एदा टिड नहीं रचता किसी का नहीं रचता साहब। मैं मेरे को शब्द है नहीं धन्यवाद करना साड़ी कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी का राहुल गांधी जी का जिन्होंने मैं आ मौका दिता इस एडी वड्डी फौज की सेवा करने इन्हों के नाल काम करने का मोढ़े दे मोढ़ा नाल ला के काम करने का दिता। सो मैं इस गल का मान है इस प्रिविलेज इस दिन प्रिविलेज स्वामी सिंगुलर ऑनर एक बारी नहीं सब दो बारी पुछो दो बारी कि अस्तीफा दे के आया मैं सब 2019 के अंदर लोगों का फतवा सीगा मेरी जिम्मेवारी बनती सी भी मैडम किसी नूं तुसीं जिम्मेवारी सौंपना चाहते हो उन्होंने कहा नहीं सुनील जाके संभालो। ते अज खेड़े मथे मैं कहना कैप्टन साहब तो वध हिस्टरी कोई नहीं जानता ते खास तौर पर वॉर हिस्टरी कोई नहीं जानता। वर्ल्ड वॉर सैकेंड चालू हो गई सी चैंबरलैन ने डिकलेयर करती सी वॉर अगेंस्ट जर्मनी उदों प्राइम मिनिस्टर चेंज किया गया चर्चिल नूं लिया गया सर चर्चिल पहला लैके आए थे 2017 च उहदा नतीजा देखो जिहड़ियां फौजां सीगियां दुश्मन दियां कित्थे जिहड़े 25 साल राज करन वाले सी अज 25 गिणती भी नहीं पहुंच सकी सर। अज जदों फिर असीं लड़ाई दे मुकाम ते उतरे हां ते जिवें हुणे डैनी जी कह रहे सी हुण तां जरनैल ही दो करते हुण तां नाल इक कमांडर इन चीफ ते इक कमांडर दोनों जो मैदान च उतरनगे साहब आई हैव नो डाउट एट ऑल। जे किसी नूं भरम भुलेखा है कढ दिओ दिमाग च इत्थे कोई हताशा नजर नहीं आ रही किसी नूं किसी दे कोई नमोशी है नहीं हौसले च आए है सारे। सानू पता है कि पिछले 2-3 महीनों तो आ जिहड़ा एक बॉन्ड जिहा खड़ा होया है लोगों के तरह तरह दियां गल्लां चलन लगियां पर आई कैन ऑलसो टैल यू साहब अज मौका जो कट्ठे होके निकलेंगे आप समाना बहुत है साडे कोल। फौज जदों लड़ाई च उतरदी है बिना हथियार फौज नूं किवें भेज दोगे साहब जे रैफल है नहीं जे तुहाडे कोल एमुनिशन है नहीं जे अज चीन नाल साडे नौजवान उत्थे मोर्चे ते खड़े है ते उन्हां कोल जे असला है नहीं फिर किवें लड़ाई लड़ांगे। असला बहुत दिता है साहब यू हैव प्रोवाइडेड एनफ एमुनिशन सीएम साहब रफाल भी है साडे कोल किहड़ा काम जिहड़ा असीं नहीं कीता 10 साल लगे सीगे 250 तो 500 पेंशन करने वास्ते साहब 10 साल आ जदों 1500 पेंशन की है कोई खड़का ही नहीं कितने बोलता ही कोई नहीं गल ही नहीं करता कोई साडियां बीबियां भैणां बैठी है इन्हां वास्ते 50% रिजर्वेशन लोकल बॉडीज इलेक्शन के अंदर साहब शगन 51,500 रुपये का बीमा सिद्धू साहब किन्ने 46 लाख परिवारों का किया 46 लाख परिवारों का साहब 46 लाख परिवारों का। मैं कोई गिनती बहुत है मैं अच वो देखो मौका आऊंगा इलेक्शन दियां स्टेजी सजन गियां पर मैं कई गल्लां मैं करनियां चाहना साहब अलोंग विद दिस जदों 71 की लड़ाई हुई 65 की लड़ाई हुई असी बार्डर ते बैठे हैं इधर गुरदासपुर भी बार्डर है उधर अबोर फाजिलका भी बार्डर ते बैठे हैं
ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਵੜਨਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਟੱਪ ਲੈਣਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਟਨ ਟੈਂਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਈਬਰ ਜੈਟ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨੈਟ ਸੀਗਾ ਕੋ ਪੁਰਾਣੇ ਹੱਕਰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀਗਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਫੌਜਾਂ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਥਰੀ ਨਾਲ ਠੋਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੈਪਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਥਰੀ ਨਾਲ ਠੋਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਟ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਸਿੱਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਸਲਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਸਭ ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਤਾ ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਓਵਰ ਇੰਡਲਜੈਂਟ ਟੂਵਰਡ ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੈਂ ਨੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬਟ ਸਮਵੇਅਰ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚਲਦੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਲੀਵਿੰਗ ਯੂ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਅਜੈਂਡਾ ਸਰ ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸ ਨਾਟ ਲਿਸਨਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਜਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਮੈਂ ਆਪ ਕਮਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਲ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਜੋ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਆਣੇ ਸਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਓ ਸੁਣ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ ਸਭ ਦੋ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪੋਨੈਂਟ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪੋਨੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪਾਪਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਮਾਰ ਗਈ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਨਿਬੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨਿਬੜਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਮਾਰ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਮਾਰ ਗਈ ਆ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇਹਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਫਲਾਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਜਾਵੜੀ ਪਰ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਡੂੜੇ ਵੇਰਾ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਫਲੈਕਟ ਇਨ ਯੋਰ ਆਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਚ ਟਪਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਚ ਅੜਚਣਾ ਪਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਦੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਰੇਅਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਅਕਿਨ ਟੂ ਅ ਡੈਮੀ ਗੋਡ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਰਮਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਟਮਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਵਰਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਫਕੋਰਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਏਜੰਡਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਟਸ ਅ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੈਪ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਤੜ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ
5 जून नू किसानी नू लेके पाने काले कानून जदों आए है। अज जे बीजेपी आले घरां चे वड़े बैठे है, बीजेपी आले लोकां चे निकल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि काले कानूनां दे विरोध चे पंजाब उत्तर खड़ा रहा, सारा पंजाब लित्र आया। उस मौके ते कोई होर मुख्यमंत्री होंदा धरने बीजेपी के खिलाफ लग रहे हैं, आ धरने थोड़े मेरे खिलाफ लगने से, अज उन्होंने जिस बखूबी नाल संभाल के उत्थे भेजे हूं सिद्धू साहब थोड़े को ही है। एक मिनट सुन लो गल, थोड़ी शांति दा आ गई थोड़िया सारा दे, प्लीज आ गई थोड़ी गल पहुंच गई। सब जे अज मौका ना संभालिया होंदा ते किसानां दा गुस्सा इत्थे पंजाब दे विच देखण नूं मिलना सीगा। पर कैप्टन साहब नागरा साहब, मैं एक मिनट बड़ी अहम गल कह लगा राव साहब बोलियो, राव साहब थोड़े को मैं बथेरा वो बाद थोड़े जो कही है कम संभाल लो। मैं एक मिनट बड़ी गल सीएम साहब दे निकाल, सीएम साहब आई विल नॉट बी डूइंग जस्टिस। मैं अपने इस अहुदे नूं, चाहे मैं अज फॉर्मर पीसीसी हो गया पर कांग्रेसमैन ते महा साहब, मैं थोड़े नाल मेरा लगाव 20 सालां दा इहदे ते, आई विल नॉट बी ऑनेस्ट वेल विशर। अगर मैं थोनूं आ ना दसा, जिहड़ा किसान दिल्ली दी बॉर्डर ते बैठा है, जिहदा बच्चा चाइना पाकिस्तान की बॉर्डर से बैठा है, वह एक सच्चा गुरु का नाम लेवा भी है, उहदा कालजा बलूंदरा पिया है, उहदा काल का बलूंदरा पिया है, जो भंगड़े पाते हैं ना वह भंगड़े पाने वाले नूं नत्थ पानी पऊगी। राव साहब आप जाके एक मैसेज लेके जाना वापिस सोनिया जी राहुल जी के पास में, कांग्रेस का नेशनल लेवल के ऊपर रिवाइवल जो है उसका रास्ता पंजाब से होके जाता है, और पंजाब का एक मिनट यारों गल सुन लो, और पंजाब कांग्रेस के वापस सत्ता में आने का रास्ता कोटकपूरा और बैदल कलां से होके जाता है। साहब साहब आज इतिहास कनी झाकी मार के देखिए, बड़ी लंबा इतिहास देखने की लोड़ नहीं। 15 अगस्त 1947 याद करो, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, नेहरू जी ने की किया सी, लॉन्ग टाइम अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। सीएम साहब almost 4 years ago we made a tryst with the people of Punjab and ourselves and our faith that we will bring these culprits to justice, and I know CM sir you are keeping the best for the last. aaj jalwa tusi dikhaoge, sanu puri umeed hai inna lokan nu आने वाली थान जिन्होंने बेअदबियां कीतियां उन्होंने आने वाली थान लेके जाओगे। इस करके साथियों हौसला इसे तरह ही बरकरार रखियो। ज्यादा लंबिया देखो गल्लां करन वाली ना बहुत है, शामा पै जाएगियां, पर एक गल मैं राव साहब ने दी और परमिशन, अज मैं एक वर्कर की हैसियत नाल बोल रहा, बुरा ना मनियो, सब माफ होता है वर्कर अपने जेड़ी, देखो जेड़े रुसे है ना हरेक ब्याह जिवें होंदे ना, कोई कहिंदा वी इस परिवार का फुफड़ है, सवेरे रुस जांदा शाम नूं मनाईदा, सवेरे फिर रुस जांदा। अपने कांग्रेस में एक रिवायत बन गई साहब, जेड़े रुस के जावड़दे है, रंधावा साहब जिहड़े रुसके जावड़दे उन्हां नूं तां मनाण करे जांदे रहिंदे आ, ते अज तुहानूं चाबियां किहने पकड़ाणियां सी साहब,
अच चाबिया कि पकड़ानिया थोनू इस नवे मकान दिया अच थो सुनील जाखड़ याद ही नहीं रहा। सुनील जाखड़ कांग्रेस का पैदाश है साहब। सुनील जाखड़ अज मैं स्टेज पर खड़ा कांग्रेस करके खड़ा। मेरी गल नहीं, जेड़े लोग रोज रुस के जा बढ़ते हैं तुसी मना के फेर ले आए हो वो फेर रुस जाते हैं। आ कांग्रेस के फुफड़े सर उन्होंने आने वाली थान लाओ, आने वाली थान लाओ, उन्होंने तमाशा बनाता। मैं एक मिनट साहब प्लीज सुन लो यारो, ओदे बाद मैं नहीं थोड़ी जान खानी प्लीज। अच्छा जिन्हों इंग्लिश च कहते ना स्वान सॉन्ग कहने जो मरता ही लास्ट एक गाना गा के फिर चेते। सो दैट्स अबाउट इट। मैं एक गल कह लगे, कई लोग चर्चावां चल रही है जो दो तीन महीने हुए ने बड़ा लोगों के किरदार पछाने गए चन्नी साहब, लोग नित्र गए चंगे माड़े की पछाण हो गई। कई ने साढ़े को पता नहीं इतने पेगसिस है कि नहीं तो सेंटर वाला मंग लीए। सरदार लाल सिंह जी तुस्त चाहू जान हो थोनू पता होना कि सुन के देखो कि ने तार जोड़ रखी है। किसी ने अमित शाह के नाल, किसी ने केजरीवाल के नाल भी मार के टपूसी जा वड़ांगे। ए नहीं साहब एक मेरी बेनती है, मैं कोई बुढ़ापन वाली गल नहीं करता, बड़ा निमाड़े चेत्र है। आई एम नॉट हेयर टू चैलेंज एनी बडी वूमन। आई मैं तो एक छोटा जा वर्कर हाँ, पर एक गल कहनी चाहूंगा जो सुनो तो समझे। एक मिनट छड़ दो, एक मिनट वेला कर दो, बाद करते रहो गल। खुदा जाने ये दुनिया जलवा गाय खाक है किसकी। खुदा जाने किदे करके आ महफिल सजी है। खुदा जाने ये दुनिया गाय नाश है किसकी। हजारों उठ गए लेकिन सुनो मेरे कनी झाक के सुनो जिन्हों मैं कह रहा। हजारों उठ गए लेकिन यही रौनक है मजलिस की। आ मजलिस का ऐसे तरह सजदियां रहनी है। कांग्रेस पार्टी है इतो बथेरे गए बथेरे आ गए। वो कहने ना असल पंजाबी मुहावरा तो नहीं बोलता, कहना मेरा शेर घूम फिर के बोल हेटा आना इतने तुगा साहब। तकड़े होके आओ, तकड़े होके मत मजबूत करिए। आ जेड़े अनफिनिश्ड एजेंडे है पंजाब दे लोग अज इतिहास देख रहे हैं, इतिहास देख रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का मैं बड़ा कायल हूं साहब। उन्होंने की किया सीगा, कहना आई होप हिस्ट्री विल बी मोर काइंड टू मी। इन्होंने तो मेरी कदर नहीं पाई, बट आई होप एंड आई थिंक हिस्ट्री विल बी मोर काइंड टू यू, बट आई एम हैव अ कॉन्ट्रेरियन व्यू। कैप्टन साहब बैठे है, सिद्धू साहब बैठे है, साड़ी लीडरशिप बैठी है साहब। एंड द हिस्ट्री कैन बी काइंड, हिस्ट्री कैन ऑल्सो बी वेरी हार्श इफ वी फेल इन अ ड्यूटी। मैं वाहेगुरु तो अरदास करदा, वाहेगुरु साडे पंजाब ते हमेशा अपना मेहर भरिया हथ रखी। ते साडे कांग्रेस दे जेड़े वर्कर है, कांग्रेस दी लीडरशिप है, कैप्टन साहब है, सिद्धू साहब है, इन्हां नूं बल बख्शी ताकि पंजाब दी बेहतरी वास्ते साडा हसदा खेड़दा रंगला पंजाब इसे तरह बसदा रहे। इन्हां लोकां नूं आने वाली तरह जेड़े जिन्हां ने बेअदबियां कीतियां पंजाब दा कारण कीता उन्हां नूं उत्थे पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।